हेलो एवरीवन, सो हैप्पी कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और आप ये वीडियो देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, 8449905766 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी सारी करियर क्वेरीज सेंड कर सकते हो। एंड टू ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो भी हमारे सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स कंडक्ट करना चाहते हैं, दे कैन मेल अस ऑन sarthak@planetstudy.in। एंड फॉर नाउ एंजॉय द वीडियो। हेलो एवरीवन, सार्थक दिस साइड, आई वेलकम यू ऑल टू द इवेंट मैनेजमेंट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ अबाउट द करियर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स फीस, स्किल्स, वर्क डिस्क्रिप्शन, कॉलेजेस, सो ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर और कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना करियर परस्यू कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीफ अबाउट द करियर। इवेंट का मतलब कोई एक ओकेजन, सेलिब्रेशन, पार्टी, जहां पर एक बड़ी गैदरिंग हो। मैनेजमेंट का मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इवेंट मैनेजर कौन हुआ? ये वो पर्सन हुआ जो एक इवेंट कंडक्ट करता है जितने रिसोर्सेज उसके पास हैं उनके अकॉर्डिंग, और उन रिसोर्सेज में वो बेस्ट तरीके से उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाता है। इवेंट्स हम सबकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे घर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कंट्री, हर लेवल पर डिफरेंट टाइप के इवेंट्स कंडक्ट होते हैं। घर में जैसे फेस्टिवल, सेरेमनी, बर्थडे, वेडिंग, एनिवर्सरी। स्कूल एंड कॉलेजेस में एनुअल फंक्शन, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, क्रिसमस ईव, अवार्ड फंक्शंस, कन्वेंशंस, मीटअप्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, यूथ कैंप्स, डांडिया नाइट्स, स्टार्टअप इवेंट्स, कॉलेज फेस्ट, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, गेमिंग शो, कल्चरल कॉम्पिटिशन, फैशन शो। एंड ऑफिसेज में प्रोडक्ट लॉन्च, ट्रेड शो, कॉन्फ्रेंसेज, बिजनेस डिनर, चैरिटी इवेंट्स, टीम बिल्डिंग इवेंट्स, बोर्ड मीटिंग्स, एप्रिसिएशन इवेंट्स, शेयर होल्डर मीटिंग्स। और लास्ट में कंट्री लेवल इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एजुकेशन फेयर, चैरिटी इवेंट्स, फंड रेजिंग इवेंट्स, बुक फेयर, फिल्म फेयर अवार्ड्स, ट्रेड फेयर, ऑटो एक्सपो, योगा डे, वर्ल्ड कप्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इवेंट। तो ये सारे टाइप के इवेंट्स डिफरेंट अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक टाइम, मनी, स्पेस के अकॉर्डिंग प्लान आउट होते हैं। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो वन मंथ बैक प्लान होने स्टार्ट होते हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो टू टू थ्री ईयर्स बैक प्लान होने स्टार्ट हो जाते हैं लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ओलंपिक। अब हमारे दिमाग में आएगा ना कि यार ये इवेंट मैनेजर आखिर करता क्या है? वेडिंग होती है तो फ्लावर्स लेके आ जाता है, और अगर कॉर्पोरेट इवेंट होता है तो कॉफी मशीन्स आ जाती हैं। नहीं, बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है। डिफरेंट वर्क लाइक साइट सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू डेट्स, डेकोरेटिव थीम, सिक्योरिटी, सपोर्ट टीम, ट्रांसपोर्टेशन, पार्किंग, गेटिंग परमिट्स, कुछ ग्रांट करना होता है तो उसके लिए परमिट चाहिए, एंकरिंग, एमरजेंसी प्लान, हाउसकीपिंग, केटरिंग, प्लानिंग गेम्स एंड एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजिंग डिस्को नाइट्स एंड प्लानिंग रिट्रीट। तो ये डिफरेंट टाइप का वर्क है जो इवेंट मैनेजर्स रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट करते हैं। बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। हैट्स ऑफ टू दोस पीपल जो इस प्रोफेशन में है, क्योंकि मनी के साथ लोगों के इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमेशा के लिए स्पॉइल हो जाती है। अब बात करते हैं वर्क डिस्क्रिप्शन की। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड वर्क होता है, जो ऑब्जेक्टिव भी उस पर्टिकुलर थीम का है, उसी के अराउंड आपके सारे टास्क अलाइंड होते हैं। इसके अलावा वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स, इनसे कोऑर्डिनेट करना, अपने क्लाइंट से अच्छे से कम्युनिकेट करना, अकाउंट्स और डिफरेंट टास्क को रेगुलर बेसिस पे चेकअप करना, और जो थीम है उसको अच्छे से कम्युनिकेट करना। ऑडियंस की समझ में आना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पार्टी की इवेंट की थीम क्या है। 5 C's ऑफ इवेंट प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट, कंट्रोल, कल्मिनेशन एंड क्लोज आउट, इनको सक्सेसफुली हर प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना। तो ये सारा कंप्लीट वर्क डिस्क्रिप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स कंडक्ट करते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। हमने 3 ग्रुप्स में एलिजिबिलिटी को डिवाइड किया है। एलिजिबिलिटी आफ्टर 10th, आप किसी भी रीजन से अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, चाहे फैमिली रीजंस हो, चाहे प्रोफेशनल रीजंस हो, चाहे मॉनेटरी रीजंस हो, तो आप इवेंट मैनेजमेंट में अपना करियर सर्टिफिकेशन के थ्रू बना सकते हो। सर्टिफिकेशन इन इवेंट मैनेजमेंट, इनका ड्यूरेशन होता है 3 months to 9 months, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट ड्यूरेशन वेरी करता है, और ये जो इंस्टीट्यूट है आपको अपने एरिया में ही चूज करना पड़ेगा। ऑनलाइन कोचिंग आप इवेंट मैनेजमेंट में ना लें, मैं आपको कहूंगा आप ऑफलाइन कोचिंग लें। बात रही कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा होगा, वो हम डिटेल में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी आफ्टर 12th, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब अपनी बैचलर्स डिग्री स्टार्ट करनी है, तो 5 to 6 कॉलेजेस इंडिया में ऐसे हैं जो BBA इन इवेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जिनको इवेंट मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना है वो हैं बहुत सारे। तो वो बचे हुए स्टूडेंट्स जो भी हैं जिनका BBA इन इवेंट मैनेजमेंट में नहीं सिलेक्शन होता है, वो जाते हैं BMC, दैट इज बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप मिलोगे ना, उनको पता
भी नहीं होता कि बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट होता भी है या नहीं. सो बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन आप परस्यू करते हो, उसमें वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट होता है इवेंट मैनेजमेंट, राइट. बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट कंडक्ट करने के बाद आप एमबीए इन इवेंट मैनेजमेंट भी परस्यू कर सकते हो. नेक्स्ट अप वी हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आफ्टर ग्रेजुएशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछते हैं कि मैंने बीबीए अपना कंप्लीट कर लिया, मैंने अपनी बीकॉम कंप्लीट कर ली, या फिर मैं इन बिटवीन डिग्री हूं, मतलब सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक में हूं या फिर थर्ड ईयर ऑफ बीटेक में हूं, तो मैं कैसे अपना करियर इवेंट मैनेजमेंट में बना सकता हूं. आपके पास थ्री ऑप्शंस हैं, एमबीए, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन. एमबीए कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट, चाहे वो बीकॉम हो, बीटेक हो, बीबीओ, बीसीओ, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट एमबीए इन इवेंट मैनेजमेंट परस्यू कर सकता है. सेकेंड ऑप्शन इज डिप्लोमा. डिप्लोमा वेरी करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, उनकी फीस, उनका ड्यूरेशन आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो. एंड ऑप्शन नंबर 3 इज सर्टिफिकेशन. अब स्टूडेंट्स को डाउट होता है डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन में से क्या चूज करें, क्योंकि दोनों ही सेम लगते हैं. सर्टिफिकेशंस में मोर ओवर प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी ज्यादा होती है, डिप्लोमा में थोड़ी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कंपैरेटिवली कम प्रैक्टिकल नॉलेज होती है. लेकिन अगर आप डिप्लोमा अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, कोई भी आप अच्छा इंस्टीट्यूट ले सकते हो ऑनलाइन, जिसका अच्छा नाम हो, अच्छा ब्रांड वैल्यू हो जिसकी, उसका डिप्लोमा ज्यादा वैल्यूएबल होगा एज कम्पेयर टू द सर्टिफिकेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूट. डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं. कुछ कॉलेजेस क्लास 12th के मार्क्स कंसिडर करते हैं, कुछ कॉलेजेस आपके ग्रेजुएशन मार्क्स कंसिडर करते हैं अगर आप एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, और जो अच्छे कॉलेजेस हैं जिनकी अच्छी ब्रांड वैल्यू है वो आपका रिटन एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं. अब बात करते हैं स्किल्स से रिलेटेड, कुछ नेसेसरी स्किल्स हैं जो आपको इस करियर में ग्रो करने के लिए जरूरी है. नंबर 1 इज आइडेंटिफाइंग ह्यूमन बिहेवियर, क्लाइंट्स, एजेंट्स, लेबर. डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल से आप कम्युनिकेट करते हो, सबका एजुकेशन लेवल डिफरेंट है, तो आपको उनको कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए. इसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर का एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए. अगर कोई इंसान किसी भी इवेंट में एंट्री करता है, फॉर एग्जांपल आप किसी शादी में जाते हो, तो 95% चांसेस आप लेफ्ट की तरफ पहले देखोगे, राइट. तो अगर आप एक वेडिंग प्लानर हो तो आपको अपना लेफ्ट साइड जो डेकोर है वो ज्यादा अच्छा रखना है एज कंपेयर टू राइट, और खास करके एंट्री लेवल पर. तो बेसिक ह्यूमन प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए, बिहेवियर प्रिंसिपल्स जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. 3 से 4 बुक्स आप साइकोलॉजी के पढ़ लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो नंबर 1 इज आइडेंटिफाइंग ह्यूमन बिहेवियर. नंबर 2 इज नेटवर्किंग स्किल्स. एक गोल्डन लाइन हमेशा याद रखनी है, लिंक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन मनी. अगर लिंक्स हैं तभी क्लाइंट्स आएंगे, तभी बिजनेस ग्रो होगा, तभी बिजनेस एक्सपेंड होगा, राइट. और डिफरेंट स्किल्स की लिस्ट आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आइडियल लिस्ट है, एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा. धीरे धीरे आप इनको ड्यूरिंग द टाइम ये सारे स्किल्स अपने अंदर बिल्ड कर लो, आपका करियर एक आइकॉनिक करियर की तरह शेप लेगा. सब कुछ हो गया, डिग्री आ गई, स्किल्स आ गए, अब बात करते हैं कि इवेंट मैनेजर्स जॉब कहां कहां कर सकते हैं. नंबर 1 इज इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज. इनका तो मेन पर्पस ही होता है, ये तो पूरी एक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी है जिनका मेन पर्पस होता है इवेंट्स को अच्छे से कंडक्ट करना. नंबर 2 इज होटल्स एंड रिसॉर्ट्स. बहुत सारे होटल्स और रिसॉर्ट्स रेगुलर बेसिस पे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, शोज कंडक्ट करते रहते हैं, तो उनकी अपनी खुद की एक इवेंट मैनेजमेंट टीम है. इसके थ्रू आप जहां जहां होटल हैं, अगर वो इंटरनेशनल होटल है तो उनके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में विजिट्स होंगी, तो आप इंटरनेशनल टूर्स भी पर्टिकुलरली इस करियर में कंडक्ट करते हो. इसके अलावा आप एनपीओस, पीआर फर्म्स, प्रोफेशनल एसोसिएट बॉडीज, यूनिवर्सिटीज और एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हो. अब इवेंट मैनेजर तो एक ब्रॉड टर्म है, बहुत सारे करियर प्रोफाइल्स हैं जिस पर आप वर्क करते हो, जैसे इवेंट कोऑर्डिनेटर, एग्जीबिशन डिजाइनर, कॉन्फ्रेंस मैनेजर और डिफरेंट करियर प्रोफाइल आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं. एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में आप वर्क कर सकते हो. तो रेगुलर बेसिस पर आपकी एक गुड नंबर ऑफ प्रोफाइल्स मार्केट में आती रहती है, तो कभी भी ये नहीं होगा कि आपके मार्केट में जॉब लिमिटेड है. अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो दिल से समझ जाना कि हमारे अंदर ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि स्कोप ऑफ वर्क बहुत बड़ा है. वेडिंग्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, स्पोर्ट्स इवेंट्स, सब कुछ आप मैनेज करते हो. सबसे पहले आप एक अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस गेन करोगे 2 to 3 years का डिफरेंट कंपनीज में काम करके. फिर आपकी एक नीश आइडेंटिफाई होगी कि यार मैं तो सिर्फ वेडिंग अच्छे से प्लान कर सकती हूं, मैं तो अच्छे कॉर्पोरेट इवेंट्स प्लान कर सकता हूं. फिर आप उस पर्टिकुलर नीश में अपनी खुद की कंपनी भी ग्रो कर सकते हो. बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की, दैट इज सैलरी. इनिशियली आपको पर डे बेसिस पर भी पेमेंट मिलता है, ₹500 पर डे, 1000 पर डे, कभी कभी आपको 2000 पर डे भी मिलता है, और आपका विद इन 2.5 to 3 years पैकेज 50,000 to 1 lakh rupees तक
हो जाता है। अगर आप इस करियर में आ रहे हो तो आपको एक अच्छा खासा साउंड नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। आप डिफरेंट प्लेसेस पर विजिट करते हो इवेंट्स को मैनेज करने के लिए। आपके जितने भी क्रिएटिव जूसेस हैं वो अच्छे से फ्लो होते हैं, क्योंकि इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्रिएटिविटी ही एक ऐसा रीजन है जिससे आप ग्रो कर सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस आपका थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्योंकि डीजे नाइट्स, वेडिंग्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स ये लेट नाइट तक चलते हैं और ये ज्यादातर वीकेंड पर होते हैं, तो पूरी दुनिया जब नेटफ्लिक्स देख रही होती है आप काम कर रहे होते हैं। टॉप इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। मैंने आपको ये इसलिए दिखाई है क्योंकि हमें एक आईडिया होना चाहिए कि जिस करियर में हम जा रहे हैं वहां के टॉप प्लेयर्स कौन कौन है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में एक बर्निंग क्वेश्चन होता है कि मैं कैसे अपने इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज को आइडेंटिफाई करूं कि मुझे कहां से डिग्री परस्यू करनी है और कहां से सर्टिफिकेशन परस्यू करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आप जिस भी कॉलेज में सोच रहे हो एडमिशन लेने की उसको लिंक्डइन पर सर्च करो और वहां के एल्यूमनाई नेटवर्क पर क्लिक कर दो। जितने भी स्टूडेंट्स आज तक वहां से पास आउट हुए हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वन बाय वन आप सबको मैसेज करो, एक हाई हेलो से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो और उसको एंड करो, वॉज दिस कॉलेज गुड और नॉट। सिंपल क्वेश्चन पूछना, कोई घुमा फिरा के बात मत करना, क्योंकि उन लोगों पे टाइम नहीं है, आपके लिए आपके पास टाइम है, उनके पास टाइम नहीं है, राइट? तो अच्छे से कॉन्वर्सेशन अपनी उनसे करो। हो सकता है 100 में से 5 लोग ही रिप्लाई करें, लेकिन वो 5 लोग आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो ऐसे ही करके डिफरेंट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स को आप चेकआउट कर सकते हो। अब कमेंट सेक्शन में ये मेंशन मत करना कि एक पर्टिकुलर कॉलेज का नाम हमने लिख दिया और ये कह दिया कि ये अच्छा है या नहीं, मुझे बताओ। मैं आपको नहीं बता सकता, मैं आपको टॉप कॉलेजेस बता सकता हूं, लेकिन मैं हर एरिया का बेस्ट कॉलेज आपको नहीं बता सकता। आपको अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, अपनी लड़ाई है हमें खुद लड़नी पड़ेगी। तो आप टॉप कॉलेजेस अपने एरिया के आइडेंटिफाई करो, टॉप इंस्टीट्यूट्स आइडेंटिफाई करो और उनकी लिंक्डइन सर्च स्टार्ट कर दो। अब चलते हैं फीस क्राइटेरिया की तरफ। सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमास की ज्यादातर फीस होती है 30,000 to 40,000। कुछ इंस्टीट्यूट्स ज्यादा फीस लेते हैं अगर वो आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। और डिग्री लेवल प्रोग्राम की फीस होती है 3 lakh to 4 lakh रुपीज फॉर द एंटायर 3 ईयर कोर्स। अब आपको अपना डिटेल्ड सिलेबस चेक करना है कि डिप्लोमा, डिग्री या चाहे बैचलर्स लेवल की हो, मास्टर्स लेवल की हो, सर्टिफिकेशन, इनके सिलेबस क्या होगा, सेमेस्टर वाइज एनालिसिस क्या होगा। इस सिलेबस को आपको रटना नहीं है, बस एक क्विक ओवरव्यू आपको करना है कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ूंगा। तो अभी आप इस लिंक पर क्लिक करें, ये लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा और वहां से आप डिटेल्ड सिलेबस इस वीडियो समरी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। और हम मिलते हैं ना वेबसाइट पर। बाय बाय।